रमेश के साथ और मैं हूँ रूहानी। कैप्शन में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, आज बात की जाएगी मेडिकल डिपार्टमेंट की और एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर खासा विश्वास जो है जनता का रहता है। ट्रीटमेंट के लिए ये डिपार्टमेंट जाना जाता है और कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप भी इस डिपार्टमेंट को मानते हुए लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर्स पर भरोसा करते हैं। अब मैं ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाऊंगी जिनसे कुछ देर पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई थी और आर्ट ई एक्टिविस्ट का नाम उस समय मैंने इनको दिया था और उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आरटीआई के द्वारा जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसकी इम्पोर्टेंस इन्होंने बताई थी। साथ में ही इन्होंने बताया था कि हाई कोर्ट में किस तरह से पार्किंग का एक स्कैम चल रहा है उसके बारे में भी इन्होंने संक्षिप्त में जानकारी दी। आज एक और आरटीआई के तहत ये कहीं ना कहीं एक और मुद्दा सामने लेकर आया है जिसका इनको कहीं ना कहीं ये मलाल है कि आखिरकार जितने डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए उससे ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और जिनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलने चाहिए वो कहीं ना कहीं महरूम हो गए हैं गवर्नमेंट सर्विसेज से। तो बलविंदर जी की मैं बात कर रही हूँ, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे सर क्या मसला क्या और मेडिकल डिपार्टमेंट ऐसा क्या हो गया। देखिए मैं काफ़ी देर से हेल्थ सिनेरियो को देखते हुए मैं काफ़ी इस पर काम कर रहा हूँ। अभी मेरी PM भी चल रही है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में, वो भी प्रकार के शार्ट लिया करते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पेरीफेरी है हमारे, अब रामबन टोडा बदुआ कुआ पेरीफेरी हिली और जो रिमोट एरियाज है वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं। एक तो वैसे ही शार्टेज है और तो दूसरा जो लोग जिनकी वहाँ अपॉइंटमेंट भी होती है वो लोग वहाँ जाके सर्विस नहीं करना चाहते, वो लोग अपने घरों के बाहर ही कहीं ना कहीं किसी क्लिनिक में अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं। आज से 15-20 साल पहले कुछ एक पॉलिटिशियंस ने और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, ये उनकी एक ब्रेन गेम चाइल्ड था, उन्होंने मिलकर एक जम्मू सिटी में कुछ 15 अर्बन हेल्थ सेंटर्स खोले और उनको नाम दिया गया अर्बन हेल्थ सेंटर्स ओब्लिक इवनिंग क्लिनिक्स, क्योंकि वो डबल शिफ्ट काम करते हैं। हर एक इवनिंग क्लिनिक में अर्बन हेल्थ सेंटर में दो दो डॉक्टर्स बैठे हैं, दो या तीन डॉक्टर बैठे हैं, उसके अलावा 10-12 वहाँ पैरामेडिक्स के हैं, स्वीपर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, 14-15 आदमी का स्टाफ वहाँ बैठा है। तो ये जम्मू में जब हम देखा, मैंने एक इंस्पेक्शन मांगी, भाई मैं इन अर्बन हेल्थ सेंटर्स की इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। जब इंस्पेक्शन करने वहाँ पर गया तो इवनिंग में शाम के टाइम गया, किसी भी नर्स किसी भी क्लिनिक में मुझे कोई भी डॉक्टर नहीं मिला, सिर्फ एक सीनियर फार्मासिस्ट वहाँ बैठा हुआ मिला। जब मैंने रजिस्टर, क्योंकि मैं परमिशन लेकर गया था CMO साहब से इंस्पेक्शन करने के डॉक्यूमेंट्स के, जो डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन की तो ये क्या करते हैं वहाँ पर शाम को या दूसरे दिन या तीसरे दिन बैठ गए रजिस्टर में खाना पूर्ति करते हैं, सिर्फ वहाँ नाम लिखे जाते हैं, एक रनिंग हैंड में एक ही आदमी बैठ के शाम को वहाँ पेशेंट्स के नाम लिखता है, रामनाथ, बलविंदर सिंह, सतीश कुमार, शीला बेगम, ऐसे नाम लिखे जाते हैं। उसमें कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, क्योंकि मैंने तो ये कहा कि मुझे ये डाउट है कि ये लोग फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, इनकी एग्जिस्टेंस भी है या नहीं, उनका कोई एड्रेस नहीं, उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति है। और जो ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट आए बिल्कुल माइनर सा ट्रीटमेंट है, कोई हेडेक के लिए आया, कोई बैक एक के लिए आया, कोई शोल्डर पेन के लिए आया, कोई BP टेस्ट कराने चेक कराने के लिए आया और कोई छोटी सी ड्रेसिंग कराने के लिए आया। मैं समझता हूँ इन छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स के लिए तो अमूमन मोहल्ला में दुकानदार अवेलेबल होते हैं, MRP डॉक्टर्स बैठे हैं जो छोटे मोटे ये पैरासीटामोल एंटीबायोटिक की टेबलेट दी जाती है। ये जो अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं, मेरी गवर्नमेंट मोदी सत्यपाल जी से ये दरख्वास्त रहेगी, क्योंकि आज की डेट में जो काम वो कर रहे हैं शायद ही आज तक किसी सरकार के या किसी गवर्नर साहब ने किए हों, जो काम पिछले कुछ दिनों में उन्होंने फैसला किए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला था J&K Bank को RTA में लाना और उसे PSU डिक्लेयर करना, उसके अलावा जो इंश्योरेंस रिलायंस इंश्योरेंस की एक उसको स्क्रैप करना पॉलिसी को। तो मैं समझता हूँ आज अगर हमारी रियासत में हेल्थ सिनेरियो अगर ठीक हो सकता है तो गवर्नर महोदय कर सकते हैं, लिहाजा उनकी नाली में लाने के लिए आज मैं ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी 15 जो जम्मू में अर्बन हेल्थ सेंटर हैं इनको वाइंड अप कीजिए, जो डॉक्टर और जो पैरामेडिक्स वहाँ पर काम करते हैं उनको पेरीफेरी भी भेजिए, क्योंकि पेरीफेरी में डॉक्टर्स की इतनी शार्टेज है। रामबन से लोगों को 200 किलोमीटर सफर करके जम्मू आना पड़ता है, किश्तवाड़ से, भद्रवाह से, गुल से उन लोगों को जम्मू आना पड़ता है। वहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनको स्ट्रेंथन कीजिए, वहाँ डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट कीजिए। एक तो ये होगी अर्बन हेल्थ सेंटर की बात, उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में अपने डेपुटेशन भी चले जाते हैं, कुछ पैसा खर्च कुछ करा के सेक्टर में तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में डेपुटेशन। वो जब मैंने पता किया भाई ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पर क्यों जाते हैं, उससे ये पता चला कि ये सिर्फ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में ही पोस्टिंग होती है, जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में डेपुटेशन में जाता है वो सिर्फ एसोसिएटेड हॉस्पिटल में, जैसे CD हॉस्पिटल, साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल, SMGS, GMC में, तो उनके ट्रांसफर नहीं होते, वो हमेशा घर में बैठे रहते हैं, जम्मू में ही रहते हैं। तो जो डेपुटेशन की आर्टिकल 52C CSS के रूल्स के तहत कोई भी डेपुटेशन 3 साल से ज़्यादा नहीं होता और मैक्सिमम अगर कोई डिपार्टमेंट डिमांड करे तो उसकी 1 साल की एक्सटेंशन है। ये लोग 15-15, 20-20 साल से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में बैठे हैं, हेल्थ के लोग,
जबकि हेल्थ में इतना एक्यूट शॉर्टेज है डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की। सो मेरी गवर्नर मोदी से दरख्वास्त है कि कुछ लोग, एक तो वैसे ही शॉर्टेज है, 50% डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं की गई, उसके अलावा जो डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट किए गए हैं कुछ अनऑथराइज छुट्टी पे हैं, कुछ अटैचमेंट्स में बैठे हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में आज की डेट में भी 15-20 डॉक्टर अटैचमेंट करा के वहाँ बैठे हैं, सुबह बायोमेट्रिक में अटेंडेंस लगाते हैं घर चले जाते हैं, शाम को आकर अटेंडेंस लगाते हैं घर चले जाते हैं, कोई काम वहाँ पर नहीं करते, डेढ़ दो दो लाख रुपये सैलरी देते हैं। इन लोगों की डिटैचमेंट की जाए, जो लोग पेरीफेरी में हैं और वो भी जम्मू अटैच करा के बैठे हैं इमीडिएट इनको डिटैच किया जाए, ये अर्बन हेल्थ सेंटर्स बैन बंद किया जाए, इन डॉक्टर्स को पेरीफेरी में भेजा जाए ताकि लोगों को डोर स्टेप पे हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाए। वो लोग जो कह रहे दूर दराज इलाके से मेडिकल, आप जम्मू में देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके अभी भी चेक कीजिए, पेशेंट्स को पूछिए, जितना पेशेंट्स आपको मिलेंगे वहाँ पर 70% पेशेंट्स वो उन हिली एरियाज में आते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। 258 प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी सेंटर में से 185 में कोई भी मेडिकल अफसर नहीं है। तो ये हमारा इस चरमराती स्थिति है हमारी हेल्थ सेवा की। तो आज इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। देखिए इसकी अगर इस मुद्दे की, इस चीज़ की अगर किसी ने खिलाफत की तो सिर्फ कश्मीर ने की, कश्मीर के हुक्मरानों ने की, कश्मीर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज ने की, जम्मू के किसी भी शख्स ने इसकी अपोजिशन नहीं की, उन्होंने इसको वेलकम किया। क्योंकि हमारे कुछ जो एक्टिविस्ट हैं जिसमें रमन शर्मा जी थे, विलक्षण जी थे, कुछ लोग जिन्होंने चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन से इसको आरटीआई के अंदर डिक्लेयर कराया था 4-5 साल पहले। तो ये बैंक वाले इमीडिएटली कोर्ट में चले गए, इन्होंने स्टेटस को लिया, ये स्टेटस लेके आ गए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि उनमें वहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, कश्मीर का चैम्बर नहीं चाहता वहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, कश्मीर का पॉलिटिशियन। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब हमारे दो महबूबा मुफ्ती जी और उमरुल्ला साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, और मैं ये कहना चाहूँगा अगर याद में आया है इन चीज़ों से ये एक्सपोज होंगे, इनके जो पोलिटिकल वर्कर जिन्होंने यहाँ से लोन लिए। देखिए एक बिल्कुल देखिए जैसे PSC के थ्रू हमेशा जम्मू वालों को वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, ऐसे J&K बैंक में भी अगर आप आज भी CBI की प्रोब करके देखेंगे कि पिछले 8-10-15 सालों में जितनी अपॉइंटमेंट्स की गई, पहले ये अपॉइंटमेंट्स करते थे पेपर में लिस्ट आती थी, लोगों को पता चलता था भाई किस किस डिवीजन से कितने कितने लोग लगे, लेकिन पिछले 7-8 सालों से वो लिस्ट पब्लिशन में बंद कर दी गई, लोगों को इंडिविजुअली घर में कॉल लेटर जाना शुरू किया गया, लोगों के जम्मू वालों के साथ इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी इसकी अपॉइंटमेंट में जानती। अब लोगों को कम से कम आरटीआई लगा के ये पता चल सकता है कि अगर आपने कोई पोस्ट निकाल लिया उसके लिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोग उसमें अपॉइंट हुए, और कश्मीर डिवीजन से कितने थे, जम्मू से कितने थे, लद्दाख से कितने थे। मेरा मतलब कहने का भाई जितनी जम्मू वालों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी आज के बाद वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आएगी इसकी अपॉइंटमेंट्स में, ट्रांसपेरेंसी आएगी इसकी ट्रांसफर पॉलिसी में, ट्रांसपेरेंसी आएगी इसके जो NPAs हो गए हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, पता लगेगा लोगों को भाई कौन डिफॉल्टर है, आखिर इसमें पब्लिक का पैसा 59% स्टेक जम्मू J&K गवर्नमेंट का है। तो ये ट्रांसपेरेंसी आने से लोगों को कम से कम ये चीज़ें सामने पता चलेंगी, आप वो छुपा नहीं सकेंगे भाई कितने लोग जम्मू के लगे, कितने कश्मीर के लगे, कितने जम्मू वालों को प्रमोशन मिली, कितने कश्मीर वालों को मिली। ये चीज़ें मैं सोचता हूँ बड़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की, और आज गवर्नर महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस चीज़ें, तो उन्होंने उसको RTA के अंडर लाया और उसको PSU डिक्लेयर कराया, इसको ये मुबारक के बधाई के पात्र। तो हमने दो मुद्दे आपके सामने लाए, अर्बन हेल्थ सेंटर जहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है फार फ्लंग एरियाज में की जानी चाहिए थी, और फार फ्लंग एरियाज में जब अपॉइंटमेंट की जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है लेकिन सर्विस उनके द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, तो टर्मिनेशन लेटर्स भी उनको गवर्नर साहब की तरफ से दी गई है। अब दूसरा मुद्दा इस तरह से कि RTA के दायरे में जिस तरह से एक राजनीति हो रही है जम्मू कश्मीर में कि क्या RTA का दायरे में लाना जम्मू कश्मीर बैंक को सही है या गलत है, तो उसके जरिए उन्होंने ये बताया कि ट्रांसपेरेंसी इससे आएगी और ट्रांसपेरेंसी आते हुए सबको पता चलेगा रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसमें किसने जो है अपॉइंटमेंट लेटर किसको मिला है। इसी ताज़ा अपडेट के लिए मैं सिर्फ के साथ कैमरा के साथ।